कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी YouTube की फैमिली। तो सुबह का नाश्ता हो रहा है और सुबह हो गई बरेली में हमारी, तो हमारी बहन बना रही है नाश्ता और पराठे बना रही है मेरी बहन, ये देखिए। और जल्दी जल्दी करते हैं नाश्ता। आज हमें जाना है ढोरे टांडे अपनी फुप्पो के घर, तो थोड़े से रिश्तेदार बचे वाले, खाली खाली 20 रुपए की। नाश्ता पानी हो गया और ये हमारे भांजे हैं माशाल्लाह। देखो ये हाफिज जी कैसे, हाफिज जी अभी इनकी शादी होगी अगले साल, तब भी आपको दिखाऊंगी। हाँ ये है पंजाब में रहते हैं ये हमारे भांजे साहब, तो ये अभी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं अपने घर वालों को सबको। ये देखिए नाश्ता पानी कर लिया। हाँ नाश्ता पानी, गोदाम दिखाओ अपना गोदाम। ये देखिए इनका गोदाम, ये देखिए इनका गोदाम माशाल्लाह, चावल के गोदाम में ये वहाँ पर सुपरवाइजर हैं। देखो कितना बड़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा। ये सारे चावल ही चावल है क्या? चावल ही चावल है पंजाब में। यही आ जाए हमला करने। हाँ तो किसी को भी चावल चाहिए तो पंजाब का एड्रेस ले लेना और चावल के कट्टे अपने घर में मंगाना जो चावल का शौकीन है। चलो ठीक है अब हम करते हैं। हाँ टी आर क्या होता है? अच्छा ये कंपनी का नाम बता रहा है अपनी गाय। देखो ये फेमस होना चाहता है कंपनी का नाम बता रखे। कोई जाए ना अगर पंजाब में कोई वीडियो देखता है तो इससे जरूर मिल गया ना, जिसने कंपनी का नाम बताया और चावल का कट्टा लेना और हमारा लेना नाम, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। कितना कट्टा? गाड़ी होती है, गाड़ी चाहिए गाड़ी। अच्छा अगर किसी को गाड़ी से मंगाना है चावल तो जरूर संपर्क करें इस लड़के से। संपर्क चलो नंबर तो लिया नहीं, नंबर भी ले लेंगे, कोई बोलेगा नंबर भी दे देंगे हम इनका। हाँ ठीक है। तो ये सब अभी लेटे हुए हैं, ये देखिए अजान भाई, अजान हमारा भी उड़ गया है, हमारी उड़ गई है। तो हम जा रहे हैं अपने कजन की गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे चाचा का बेटा है तो वो जा रही है, और वो जा रहा है हमारा चाचा का बेटा जा रहा है अलीम, उनकी वाइफ जा रही है, मैं जा रही हूँ और मेरे भाई और भाभी, हम पांचों लोग जा रहे हैं गाड़ी में उनकी। तो अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। तो अभी काफ़ी देर दिन हो रहा है तो खाना बनना है, हमारी बेटी बना रही खाना क्योंकि शाम को जाना है हमें। और ये देखिए हमारी बेटी बना रही, जब तक ताहिरी बना रही है ताहिरी, और ये हमारे सिम्बा के लिए बना है, उबाला इन्होंने। निकालना गरम मसाला कहाँ है, निकालो गरम मसाला, ताहरा तो सिम्बा बैठे हुए हैं। तो जब तक जा रहे हैं हम इनके देवर के घर, सबके घूम के आते हैं इनके घर। नहलाया कर, और रोज़ की सास पता है मालिश करती है और आधे घंटे बाद नहला देती है लड़की को, और लड़की खूब मजे से नहाती है रोजी की लड़की। नहीं दो सर चलो पहले यहाँ से चलते हैं, ये इनके हमारे बहन के देवर हैं। तुम तो पहली बार आई हो ना इसमें, ये शादी बाजी काम कर रही है। देखो बर्मा कैसे चला रही है लड़की, प्योर पानी पी रही है बर्मे का, फिल्टर वाला पूरा डायरेक्ट पानी। चच्ची तीन कमरे हैं इसमें, एक किचन देखो कितना बड़ा है, किचन देखो, और ये पूरा शादी हॉल, एक शादी हो जाएगी पूरी, इतना बड़ा हॉल क्या शादी की, शादी इसी हॉल में होगी, जरूरत नहीं है मैरिज रूम लेने की। और यहाँ तो आपने देखा ही है, और ये क्या चीज बना रखा है इन्होंने, ओहो स्टोर, अंडे पंडे सब रखे हैं। ये देखो चटनी बन रही है यहाँ पर इसकी, ये है धनिया लाल मिर्चे, और ये देखो साबुत नमक, कितने सालों बाद देखा है मैंने साबुत नमक, तो इसकी चटनी बनाएंगे ये लोग। ये है सीलन की, देखो अच्छी सीलन,
दिखाते हैं इधर भी आपको, ये भी किसी की जगह है यहाँ तक, ये पेड़ खड़ा है ना यहाँ तक ही जगह है किसी की। मछली भी है कितना मछलियाँ, अब आएंगे तुम्हारी शादी की शादी में, यही रहेंगे तुम्हारे मैरिज होम में ही, बिल्कुल इतना बड़ा तुमने हॉल बना। शाजिया की शादी से पहले का दौर हो रहा है जब हाँ, वो तो आएंगे नहीं मगर रहने के लिए बता रही हूँ मैं, रहने जब आएंगे जब तुम्हारी शादी के, अल्लाह रखे शादी होगी, जुनैद की शादी होगी, और मतलब खानदान में दानिश की हो जाए किसी की भी हो, तो तुम्हारा तो यूज हो गई, यही तो होगा खाना पीना, तुम्हारे सबसे माशाल्लाह बड़ा घर है पूरे भाइयों में सब में है ना। चलो ये देखिए लड़की गाइस चटनी पीस रही है, चटनी अल्लाह में पीसू, इतने दिनों वाला चटनी में पीसू, ले दिखा मुझे, दिखा तू, तू मुझे दिखा। अरे 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 हमसे हमने जमाने हो गए जब हमने ही पीसी, ऐसी बात नहीं है, हम भी अपने दादी के खानदान के हैं, हम भी ऐसे चचाए चचियां जब सबके काम करते हैं, हम भी करते हैं दोनों है। आ, पूरी चटनी पिसवा लियो, ले लो मैंने भी पीसे ऐसी बात नहीं है, सारी चटनी पीस देना खाला। नहीं मैं आती हूँ भाई, देखो मैं चटनी पीस रही हूँ, चटनी हाथ धो लो, मिर्च लगी, अरे रुक तो जा मैं और बनवाऊँ, देखिए मैंने तो पीस ली सारी, मैंने पीस के दिए गाइस और इसको दे दिया मैंने, अब ये सारी जितनी महीन करी है मैंने ही, देखिए इतनी महीन हो गई है हाँ, तो अब मैंने कि चल तू पीस ले वरना तेरा दिल दुखेगा, तो बाकी मैंने इसे दे दी। और ये धनिया कब डालोगे मैडम, लास्ट में धनिया डालोगे, और चटनी रुको भी चक्कर देख चटनी, तो ये खाली क्या लाजवाब चटनी बनाई है ललो तूने, बहुत ही अच्छी चटनी बनाई है, तीखी बिल्कुल हाय हाय तीख चटनी टेस्टी है बहुत ज्यादा, तो ये तो देसी है गांव का, तो वैसे भी सब चटनी वटनी सब अच्छी लगती है। इन्होंने बना ली धनिया वाली चटनी, देखिए और कितनी मजे की चटनी बन रही है, तो ये पीस ली चटनी, हम चलते हैं अंदर, क्या लाजवाब चटनी है। ये देखो हमारे हीरो, लाइक ये करो हीरो, हीरो ये तो करो, हमारे घर के ये हीरो है, ये देखिए ये भी हाइजीनिक बर्मा जला रहा है, तो इनके दूसरे देवर का घर है। आयशा इधर आओ, आयशा तुम कहाँ थी, आयशा कहाँ थी तुम, देखिए ये देखिए हमारे साथ गई थी घूमने आयशा, सलाम अलैकुम आयशा, आयशा सलाम अलैकुम, आयशा सलाम अलैकुम, आयशा वालेकुम सलाम, आयशा कर आयशा बोलो, आयशा बोलो बोलो, आयशा वालेकुम सलाम तो बोलते हैं बच्चे, बोलते अरे कहीं खाला, अच्छा खाला बोलो, खाला कहीं खाला, अप्पा खाला, खाओ अप्पा, उस दिन कल तो मेरे हाथ से कल तो मेरा भी चावल खाए थे, तूने खाए थे तू ना, हंस रही है ये अपनी बहन से ही बोलती खाली बस, और ये भी काम कर रही है, ओहो ये देखिए सब ये कमाई कर रही है, खाना खा लो मुमानी, खाना खा लो, अप्पा खा लो, खा लो शर्मा आती है, शर्म भी आती है आयशा को, चाय वाय नहीं बनाओ भाई, कुछ मत बनाओ ये इनकी पकड़ी देखो, बाय बाय, तब जा रहे हैं इनके घर। ओहो भाई साहब आप बड़े दिनों में आए हो, ये दे दो ये वाले, इनकी बहुत फेमस दुकान है ये, और हम जब भी आते हैं जरूर खाते हैं, ये भी डालो, बना दो जल्दी जल्दी बना दो, जल्दी कर दो, 10 रुपए के मुझे दे दो, 10 रुपए का चटनी जल्दी से, प्याज डाल देना और हरी मिर्च डाल, डाल दे 20 रुपए, हरी मिर्च भी डाल दो जल्दी,
क्या चीज है? दाल मोटी वाली, ये मसूर की दाल है। थैंक यू, इतने सारे देते, देखो भाई कितने सारे 10 रुपए के दिए भाई साहब ने। थैंक यू सो मच। मस्जिद में तकरीर हो रही है तो आवाज आ रही है तकरीर की। कितने सारे छाने दिए हैं ये देखिए गाइस, देख कितने सारे 10 रुपए के चने, देखो कितने ढेर दिए, ये देखो। खाना हो रहा है, बिरयानी है, रायता है, इधर कबाब है, तो खाना खाया जा रहा है। मैं ये सिल की सिल वाली चटनी देखिए, तो मेरे का सिल है मगर उसमें प्लेन है, बिल्कुल दांत नहीं है सिल में। प्याज लगा के और ऐसे थोड़ा हाँ पेचकस से होते। तो हमें तरकीब बता रही है कि कैसे कैसे करना है। रूबी कैसे करना है? माशाल्लाह नमाज पढ़ के आ रहे, पढ़िए हम जा रहे हैं धोरे। हाँ धोरे, आजा मेरे धोरे। ओ मम्मी 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 बहुजी आ रही है, हमारे भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। आओ इधर बैठो, तुम्हारी हवा लगेगी तुम्हारी बेटी को। देखो ये इनकी बेटी है फामिया। फामिया फामिया मुंह नहीं दिख रहा अभी, टेढ़ी हो रही है अभी इनकी। तो ये देखिए ये मेरे मेरे चचेरे भाई की बेटी है, सॉरी है कजन कह दो कुछ भी कह दो, तो है तो भाई। तो ये देखिए इतनी प्यारी सी है, इतनी प्यारी माशाल्लाह। तो ये देखिए सो रही है, बच्चे को जहाँ भी ले जाओ तो पहले सो जाता है, चलो अच्छा है सोना तो परेशान तो नहीं करता। तो इन्होंने टोपी भी उड़ा दी क्योंकि ठंडा मौसम है। ये भाई हमारे बैठे हुए, वो जी हमारे कज़न बैठे हुए हैं अभी कितनी तो दूर है। ये देखिए पहुँचने वाले हैं हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये गाँव टाइप है धोरे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे खेत वगैरह जंगल, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिए। मगर रोड ऐसे हैं खबड़ खबड़ खबड़, अब ये है कि ठीक है कहीं सही आ रहा है कहीं नहीं। तो फिर हम पहुंच गए अपनी फुप्पो के घर। तो ये देखिए यहाँ पर गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में, पार्किंग मतलब यह तो मैदान है, कहीं भी लगा दो पार्किंग कहाँ होती है। गांव में तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत बड़े। तो ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक मेरी फुप्पो का घर है और हम पहुँच गए हैं अपनी फुप्पो के घर। आ जाओ मोटे औरतें स्कॉर्पियो ले, और तू तो खुद मोटा ही तो हमें बड़ा मोटा। तो ये हमारा भाई है, देखो ये वाला घर है, कौन ये वाला घर है, आ जाओ अस्सलाम वालेकुम। फूफा कैसे हो फूफा? हाँ देख लो बाहर, आ जाओ बाहर चलते। बिल्ली रहन दो रहन दो, फ्रिज है, ये हमारी फुप्पो का किचन है, अरे कबीने ये हमारी फुप्पो के बर्तन है, साफ सुथरे चमक चमाते धुल धुलाते। ये हमारी फुप्पो की बहू है, ये हमारी फुप्पो की, ये हमारी फुप्पो की बेटी, ये चाय बन रही है हमारे लिए, ये हमारे लिए नाश्ता काट रही है हमारी लबीजा। ये देखिए इसका नाम लबीजा है, घर घर की कहा है ये चाय का पेड़ है ना, गुल्लड़ का लग रहा है, पपीते का पपीते लग रहे ये क्या? ये फूल का है, नींबू का है, नींबू का पत्ते पत्ते
नहीं वो तो एक भी नहीं है इसमें। आहा हमारा जान को देखो क्या मिल गया। वाह किसकी बाइक है ये? हाँ ऐसी चीज चल रहे। अरे भाई ये देखो बैटरी खत्म हो गई तो हाथ से चला रहा है हमारा जान। ये खुशबू तो ऐसी लग रहा है कि एक महीना हुआ शादी को। क्या लगाती है खुशबू ऐसी आ रही है जैसे अभी अभी शादी हुई है एकदम फूलों के ऊपर से। मतलब ये कुछ कमरे का भी वो है कि एकदम अच्छा सा कमरा लग रहा है और तो खुशबू आ रही है। हाँ कितना बढ़िया लग रहा है। साइकिल भी चलाने दो हमारे बच्चे को। अजान का मत पूछो वो तो कोई जिद पड़ जाए फिर देखो ना। तो हमारी पप्पो के घर हो गया है नाश्ता। अब हम जा रहे हैं अपनी चचेरी बहन के और चचेरे भाई के घर। रिश्तेदारी तो बहुत ज्यादा है मगर क्या करें टाइम है नहीं तो बस हम इन दोनों के घर जाएंगे। पहले चलते हैं अपने चचेरे भाई के घर। उन्होंने नया मकान लिया है तो फिर वहाँ चलते हैं तो देखते तो हैं उनका घर पहुँच रहे हैं। तुझे अब ये वाली गाड़ी मिल गई से अब ये चाहिए इधर आया तो देखो जरा ये देखो ये हमारे बेटे को तो हर त्योहार फरमाइश। हाँ और तुम्हारा हाथ बहुत बढ़िया। कोई पत्ता बनाया तुमने पत्ता कुछ रंग भी भरते थे पत्ते में सुना सुना लग रहा है। बढ़िया बच्ची को 10 में से 10 नंबर मिले। 10 में से 10 नंबर देखो कहाँ है। ए ला मिल गए 10 में से 10 नंबर इस पत्ते पे देखो जरा। ये सारे कमरे दिखा दूंगा तुम्हारे ही देखिए। और फुप्पो ये फुप्पो ये दीवारें भी कितनी मोटी ये भी दीवारें इतनी मोटी है ये देखो यहाँ से और यहाँ तक इतनी दीवार मोटी है। पहले पहले तो इतनी चौड़ी ईंटों करते थे अब इतनी हो गए। और ये देखिए फिर ये फुप्पो का नाश्ता करा अपने खाएंगे कुछ भी। हाँ रुसाना ने बिरयानी बनाई थी जा रहे अपनी चचेरी बहन के लस्सी ला रही है। अच्छा आ जाओ और यहाँ से जा रहे हैं अपनी चचेरी बहन के घर। चलो आ जाओ सब यहीं पर। अब खप्पो की लड़कियाँ भी हमारी पीछे रहती है। चलो उनका तो थोड़ा सा दूर दूर भी है पास पास वाली के चलते हैं। देखिए अजान कितना मजा आ रहा है। गांव में कहाँ पर आए हो तुम आए कहाँ पर हो पकड़ो पकड़ो गांव में फुल मजा ले रहा है। किसी और का घर है चल आ जा तू ले आ जा अंदर आ जा। ये क्या चीज है ये? ए अल्लाह ये कमाई का ये ऑफिस है तुम्हारा कमाई का? ओ तेरी तो। ये देखिए लड़कियां इनकी माशाल्लाह लगी रहती हैं काम में सब काम में मुफ्तला है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है अच्छा बना रही हैं काम। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चलो और इधर क्या है किचन क्यों बना रही चाय अम्मा तो ले भैया इतनी चाय चाय पीते रहेंगे है। किचन ये था मगर पानी वानी बनिया था सीमा ये तू परेशान क्यों हो रही था तू चाय क्यों बना ली। इधर हमारी बहन है प्यारी बहन ये चाय बना रही है। ये क्या है तेरी तो ये हमें याद करती मोबाइल में देख देख के। ये मैं परसों आई थी ये दिवाली नहीं की है ना। अच्छा ये पर बना हुआ पलस्तर नहीं है ऊपर। और जीना कहाँ है? है उनका जीना तो उधर ही इधर का जीना भी ना है। और चढ़ेंगे ऊपर कूद के लटक के? अच्छा मगर मुझे लग रहा है सीमा इसमें पानी तो नहीं आता ये वाली छत पे किचन वाली। अच्छा ये वाला जीना यहाँ से चढ़ के फिर दीवार पे चढ़े फिर कमरे पे जाते थे ये दुकान भी खुल जाएगी इधर तो थोड़ी बहुत तो है ना। तुम बैठोगे दुकान में
हैं, तुम बैठोगे दुकानदारी करोगे बैठ के? चलो अल्लाह पाक ये भी बनवा देगा, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बहुत देखती हूँ। हाय हाय, अच्छी मेरी लाइक भी बहुत देखती है। अच्छा, ऐसे वाला जो होता है ना बटन दबा देगा। तो इनकी जा रहे हैं बड़ी अम्मी के घर देखने, तो कह रही हम दिखा के लाएंगे। तो आ जा, आ जा। ओहो माशाल्लाह, हम इसे ही देख रही थी अभी तो। नहीं, ये बड़ा अच्छा बना हुआ है ये तो। हाँ सही लग रहा, रहने नहीं आया अभी। ये देखो बिल्ली का बच्चा अंदर काट लेगा बेटे। ला पप्पा के घर भी है बिल्ली। इसे देखो कितना शौक है बिल्ली के बच्चे का। मेरे ऐसे मंगा लेना एक बच्चा। बेबी खाना ही हमें देना। सही, ऊपर भी बनवा लिया अभी नहीं? अच्छा सही है, अच्छा लग रहा है। सबको अल्लाह पाक दे, साथ में हमें भी देना अपना। नहीं नहीं, चाय बना रही सभी वो। नहीं, सीमा बना रही चाय, अब जा रहे हैं बस। नहीं अब जा रहे हैं। एक ये भी कमरा आई है ये वाला। ओह अच्छा, ये वाला भी कमरा है इनका। सही है, कमरे तो अच्छे नहीं है। तुम्हारा भी सही बन गया बस, अच्छा बन गया। हाँ, सही बच्चा। और ऊपर बनेगा अभी ऊपर मंजिला। अच्छा अच्छा, तो अब शादी वादी करोगी बच्चों की? हाँ चाहिए और क्या। अच्छा आ जाओ लड़कियों, अभी घर बन गई। हाँ सही है, कोई आए अपना बैठ जाए, यहाँ गेट लग जाएगा। अच्छा सही है, इनका ये तुम्हारा कौन है? रिश्तेदार। अच्छा आ जाओ। अम्मा से इतना मना करा फिर भी देखो इतना सामान मंगवा लिया इन्हें नाश्ते का। ये देखो जरा, सच में मारूंगी। चल रहे हैं। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अलीम को इसकी छोड़ दे, अलीम की बीबी को यहीं। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, आ जाओ। हाँ यहाँ के रास्ते अंधेरा हो गया बिल्कुल, अब घर भी जाना है वापस। पकड़ो 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 पकड़ो। ले पप्पो तो यहीं रह गए, साथ में नहीं गए। उसके सीमा के छोड़ बच्चे को और दे उनका बच्चा। खैरियत चाह रही है तो, खैरियत चाह रही है तो ना ले जाएंगे तुझे भी उठा के यहाँ से। चलो चलो भाई, अल्लाह हाफिज। शैतानी कम कर ले। चलो टोलो टकलो। भाभी अच्छा। हाँ भैया जा रहे हैं, अमान तुम। अच्छा अल्लाह फूफा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम फूफा। अस्सलाम वालेकुम, ध्यान रखना फूफा। अच्छा चलो भाई साहब, चल रहे हैं बरेली। ये था धोरा टांडा। ओह बहुत अच्छा था धोरा टांडा। इतनी ओस गिर रही है, बहुत ज्यादा ओस गिर रही है यहाँ पर, और इतना खुला खुला है ना, देखिए खुला खुला। हमारे पप्पा के घर यहाँ से वहाँ तक है। चाचा के बेटे हैं माशाल्लाह, देखो ये आ रहे हैं हमसे मिलने। ये देखिए, ये भी इनके घर अभी हम गए थे। बाय, अल्लाह हाफिज। सारे मिल है यहाँ पर, चावल के मिल है सारे ही, मुझे लग रहा है। कवाड़ा भर के हेलो। हाँ हाँ, कहाँ उतर गए? अल्लाह जान थक गई। चलो यहाँ इधर 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 आ। कहाँ खड़े करता है गाड़ी? अच्छा पहुँच गए घर।
लो थका दिया अजान में। अरे भाई साहब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, फिर से आए तो पहुंच गए घर और हम बज गए हैं अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं। देखो सब बैठे हुए हैं क्योंकि हमें रात को ही निकलना है दिल्ली के लिए। तो ये देखिए और इतना थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। ब्लॉग भी इतने लंबे हो गए, मैं कोई मोमेंट छोड़ना नहीं चाहती, सबको दिखाना चाहती हूँ। तो अभी हमारे चाचा के घर दावत भी है तो हम वहाँ चलते हैं दावत खाने। तो ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो गया तो यहीं मैं एंड करती हूँ अपने ब्लॉग को। तो मेरा ब्लॉग देखते रहिए और शेयर कमेंट जरूर करना। अच्छा और बताते रहना कैसा है।